नमस्कार, देश की बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं। आप देख रहे हैं देश 2 बजे, आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त बड़ी खबर के साथ। ग्वालियर के गोला का मंदिर चौराहे पर बेकाबू बस ने एक नवविवाहिता को कुचल दिया। हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने चक्का जाम कर दिया। हादसा उस वक्त हुआ जब चौराहे पर महिला ऑटो का इंतजार कर रही थी और तेज रफ्तार बस ने महिला को कुचल दिया। इस दर्दनाक सड़क हादसे में रानी नाम की महिला की मौके पर ही मौत हो गई। गुस्साए परिजनों और स्थानीय लोगों ने हादसे के खिलाफ जमकर नाराजगी जाहिर की। हालांकि पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद जाम खुलवा दिया। फिलहाल पुलिस ने बस को जब्त कर लिया और आरोपी ड्राइवर की तलाश जारी है। एक बस से एक्सीडेंट में महिला रानी देवी परिहा की, जो कि पिंटो पा के निवासी हैं, इनकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और उनके परिजनों को काफी आक्रोश था। उनका कहना था कि बस को शीघ्र पकड़ें और पुलिस ने बस को पकड़वा लिया। उसके बाद परिजन मान गए, उन्होंने बॉडी फिर हटा ली है और पीएम के लिए बॉडी चली गई है। उधर बड़वानी में नेशनल हाईवे नंबर 3 के बिजासन घाट पर कोयले से भरा एक ट्रक शॉर्ट सर्किट की चपेट में आकर खाक हो गया। जानकारी के मुताबिक ये ट्रक महाराष्ट्र के जलगांव से इंदौर जा रहा था। हालांकि हादसे की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई, लेकिन तब तक ट्रक पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका था।